एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का सिटी स्काइलाइंस 2 के एक और रमजदार एपिसोड में। आज अपने को ना बहुत सारे काम करने हैं। सबसे पहले जो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो अपने को बाहर एक्सपोर्ट करनी, और जो हमने फार्मिंग और प्रोडक्शन वाला एरिया बनाया ना कुछ इस साइड में, इसको भी अपने को थोड़ा सा लार्ज स्केल पर करना है ताकि इससे भी अपने को अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो। और इधर ना हम इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं और अपने शहर को उतनी लग नहीं रही, इसलिए मैंने सोचा इसको थोड़ा सा बाहर एक्सपोर्ट करते, क्योंकि यहाँ पर अगर तुम्हें बताऊँ ना सर्विसेज के अंदर, तो एक्सपोर्ट के अंदर अभी जीरो है। तो पता नहीं अभी बाहर एक्सपोर्ट करने के बाद में इससे कितना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होने वाला है। यहाँ से अपने को ना कुछ इस साइड में कनेक्ट कर रहे हैं, तो मैं डायरेक्ट नहीं लेके जा रही हूँ, पहले कुछ यहाँ तक ले लेते हैं, ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये ट्रेड होना, हमारी इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हो गई है। कितनी हो रही है वैसे, कुछ यहाँ पर शो होगा। अभी तक तो कुछ मतलब यूजेज 100% है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन 17.4 मेगावाट। कोल का पता नहीं यार ये क्या है, खैर जो भी है। इधर साइड में कुछ शो होगा अभी अपने को। सर्विसेज के अंदर ये रही इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट, तो अभी फ़िलहाल में जीरो बता रहा है, बट पता नहीं आगे चलकर ये ग्राफ थोड़ा सा बढ़ जाए। अभी मैं कितना माइनस में जा रहा हूँ तो मैं पहले वो शो कर देता हूँ। टोटल हमारा जो रेवेन्यू बन रहा है वो 3,62,000 डॉलर्स का बन रहा है, और हमारे जो एक्सपेंस है वो 4,03,000 डॉलर्स के है। तो मतलब 41,000 डॉलर्स हम माइनस में ही है, बट धीरे धीरे करके हम प्लस में आ जाएंगे। तो अब बारी है अपनी प्रोडक्शन मतलब फार्मिंग और ये प्रोडक्शन वाले एरिया को एक्सपांड करने की। फ़िलहाल में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, मीडियम डेंसिटी रेजिडेंशियल जोन की रिक्वायरमेंट है। यार इसको मैं काम करता हूँ इधर साइड में ना बनाकर छोड़ देता हूँ। और मेरा एक मन ये भी कर रहा है कि ये जो जैसे ये वाला एक जगह हो गई, ये वाली जगह हो गई, फैक्ट्री एरिया हो गया और ये वाला हो गया ना, इन चारों जगहों को मैं एक ब्रिज से कनेक्ट करूँ, और उस ब्रिज को मैं डायरेक्ट हाईवे से कनेक्ट करूँ, ताकि मतलब यहाँ से वहाँ जाना है तो ब्रिज का भी यूज़ कर सकते हैं, और वैसे भी ये सिटी के रोड तो है ही, ताकि ज़मीन पर थोड़ा सा कम ट्रैफिक हो, मतलब ट्रैफिक डिवाइड हो जाए, आधा ट्रैफिक ब्रिज पर चला जाए। या फिर हम एक काम ये भी कर सकते हैं, जो इधर इंडस्ट्रियल एरिया है ना, यहाँ से एक ब्रिज डायरेक्ट हम निकाल कर सीधा ये मेन हाईवे पर कनेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर एक टोल लगा सकते हैं सिर्फ ट्रक्स के लिए फ़िलहाल में, बट देखते हैं चलो आगे चलकर। अभी पहले इनकी रिक्वायरमेंट मैं ख़त्म करता हूँ, और ये बीच बीच में मैं रास्ते मतलब ये ऐसे गैप्स इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि इन फ्यूचर हम यहाँ पर ट्रेन स्टेशन, या मतलब जो भी हमारे काम की, ट्रेन स्टेशन तो नहीं बट जो भी ट्रांसपोर्ट के काम की चीज़ है या फिर ऐसी कुछ बड़ी चीज़ अपने को बनानी है वो हम बना सके, ठीक है। अभी लोगों की क्या क्या कंप्लेन है पहले वो देखता हूँ। अभी तक तो द सिटी इज़ इनक्रेडिबली नॉइसी, आई कैन बेयरली हियर माई सेल्फ थिंग। ओके, आवाज़ आ रहा है क्या, किधर से आवाज़ आ रहा है मेरे को बताना। रुक जाओ, पहले ना हम इनका रिक्वायरमेंट ख़त्म करते हैं, और यहाँ पर मैं 2 लेन नहीं 3 लेन वाला रास्ता बना रहा हूँ, क्योंकि 3 लेन वाले रास्ते के अंदर ना थोड़ा कम ट्रैफिक होगा, क्योंकि लो डेंसिटी वाला रेजिडेंशियल जोन नहीं बना रहे हम यहाँ पर ना, हम थोड़ा सा बड़ा वाला बना रहे हैं। यार ये सिंगल वाला कनेक्ट हो गया, चलो ठीक है, इसको ले लेते हैं यहाँ तक, या फिर इसको मैं एक्सटेंड कर लूँ, इतना एक्सटेंड कर लेता हूँ, और यहाँ से ना सीधा कनेक्ट कर देता हूँ ऐसी की तैसी, ये सही रहेगा काफ़ी ज़्यादा। इधर साइड में ना, अरे यार ये थोड़ा सा क्रॉस हो गया, बट चलो इतनी ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर साइड में फटाफट से जोनिंग स्टार्ट कर देते हैं। ये रहा मीडियम डेंसिटी ना, अपने को मीडियम की ही रिक्वायरमेंट है क्या? यस, ये मीडियम की ही अपने को रिक्वायरमेंट है, आप भी टिक करके देता हूँ। ये लो, इधर साइड में मीडियम वाले बना लो भाई, जितने बनाने बना लो, चारों एक ही जगह पर बना लो, मार्केट की रिक्वायरमेंट है। तो ये लो भाई मार्केट, इधर तुम्हें मैं 2 मार्केट भी दे देता हूँ, ठीक है। और इसको बिजली और वो कनेक्ट करना पड़ेगा ना, आप भी टिक करके देता हूँ, रुको एक मिनट। एक रास्ता यहाँ से कनेक्ट हो गया, एक रास्ता यहाँ से कनेक्ट हो गया, ठीक है, और इधर से भी एक रास्ता ना यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये क्रॉस में एक रास्ता कनेक्ट हो गया। अभी यहाँ पर एक छोटा सा राउंड अबाउट अपने को लगाने दें ताकि ट्रैफिक हो ही ना, मीडियम वाला लगाएंगे। मीडियम लगाऊंगा तो घर टूट जाएगा, छोटा लगाऊंगा तो भी घर टूट जाएगा, छोटा वाला लगा लेते, ठीक है। अभी इनको चाहिए होगी पार्किंग, तो इनको पार्किंग भी प्रोवाइड कर देते हो फटाफट से, क्योंकि रोड के ऊपर तो भाई साहब रोड के ऊपर कार नहीं लगाने का, बिल्कुल नहीं लगाने का। इधर एक पार्किंग और इधर साइड से एक पार्किंग, ठीक है। रोड के ऊपर तुम लोग कार लगाना ही नहीं, समझ में आई ना। एम्बुलेंस का रिक्वायरमेंट है, रुक जाओ मेरे को हॉस्पिटल की भी रिक्वायरमेंट चेक करने दो, हॉस्पिटल की कितनी है। हेल्थ केयर की 200 की कैपेसिटी है, इंजर्ड और ये मतलब 6 ही है खाली, यहाँ से मैं कम नहीं कर सकता इसका ग्राफ ना। सेरेमेटोरियम की रिक्वायरमेंट है, दैट 66 हो गई है, और सीमेंट्री में 5,000 की है, ऑक्यूपाइड 41, मतलब अभी सीमेंट्री बहुत फुल फ्लैज में चल रहा है। सीमेंट्री का भी मैं बजट कम कर सकता हूँ अपना, वहाँ से भी पैसा बच जाएगा। तो मैं टोटल इनकम बता देता हूँ, हमारा टोटल प्रॉफिट हो रहा है 3,65,000 डॉलर्स का,
मतलब ये हमारी इनकम है और जो हमारा एक्सपेंस है वो $407,000 का, मतलब टोटल जो डिफरेंस आ रहा है वो $41,000 का है। अब चालू करते हैं हम प्रोडक्शन वाली चीज़ें, ठीक है। ग्रेन फार्मिंग अगर करूँगा तो वो मेरे को इधर साइड में करनी पड़ेगी, यहाँ पर पूरी की पूरी ग्रेन फार्मिंग होगी। मैं कितने टाइल परचेस कर सकता हूँ? हाँ यस, ये मैं परचेस कर सकता हूँ ना, रुक जाओ। ग्रेन फार्मिंग में भाई सीधा स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ये चारों जगह परचेस कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ताकि यहाँ पर आराम से ये पहाड़ को और ये पेड़ वगैरह को मैं ऐसे ही रहने दूंगा, थोड़ी सी ग्रीनरी होनी चाहिए ना। और इधर साइड में हम ग्रेन फार्मिंग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। कुछ करता हूँ उससे मैं इधर साइड में, आई गेस है ना, इतना सफिशिएंट रहेगा। और इसको पूरा पूरा एक्सटेंड कर देता हूँ मैं, ग्रेन फार्मिंग भाई फुल फ्लेज में चलाना है अपने को, इसको जितना मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ ना उतना मैं एक्सटेंड करूंगा। 30 की लिमिट है, ठीक है, ये यहाँ तक हो गया एक्सटेंड। और इधर से भी पूरा पूरा एक्सटेंड करूंगा, यहाँ से इससे ज्यादा तो मैं जा नहीं सकता, ठीक है। पूरे एरिया में ग्रेन फार्मिंग होने वाली है भाई, टोटल पूरे एरिया के अंदर ग्रेन फार्मिंग करने वाले हैं। इधर से भी ना यहाँ तक ले लेता हूँ, ठीक है। यस, इतनी बड़ी फसल काफी होगी अभी शुरुआत में, इधर से भी वही सेम एक्सटेंड कर लेता हूँ। चलो भाई, पूरा फार्मिंग वाला एरिया बन गया। इसको रास्ते से कनेक्ट करना है अपने को, तो इसको कौन से वाले रास्ते से कनेक्ट करें? थोड़ा कच्चा वाला रास्ता ले लूँ, मतलब ये नैरो, या फिर सादा वाला जो रास्ता है वही रहने देंगे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। यस, इसको ऐसे कनेक्ट करेंगे हम, डायरेक्ट ऐसे नहीं कनेक्ट करने वाले, इसको ऐसे साइड से ऐसे घुसाएंगे अंदर। सामने से अगर डायरेक्ट करूँगा ना तो फिर वो ट्रैफिक वाला सीन होता है, इसीलिए थोड़ा सा बस इसको ऐसे कनेक्ट कर देंगे, ऐसे मतलब डायरेक्ट इधर से गाड़ी आएगी इधर से निकल जाएगी, ऐसे कर देंगे, ठीक है। ये हो गया अपना बिजली बिजली इधर कनेक्ट। अरे हाँ, इसको मेन उससे कनेक्ट करना पड़ेगा ना, इधर रोड लानी पड़ेगी अपने को, ठीक है। यहाँ पर ना एक मैं फोर लेन का रास्ता ले लेता हूँ, ठीक है। फोर लेन के रास्ते को ना मैं सीधा कनेक्ट करूँगा, इधर साइड में कनेक्ट कर दूँ क्या यहाँ से भी? बट शहर के अंदर लोग आना स्टार्ट हो जाएंगे। चलो, फोर लेन का रास्ता मैंने सीधा यहाँ से कनेक्ट कर दिया, और एक छोटा रास्ता ना यहाँ से मैं इधर कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये डायरेक्ट कनेक्शन अपना आ गया, छोटा सा एक राउंड अबाउट अपने को बनाना है, वो मैं इधर लगाऊँ या फिर इधर थोड़ा सा बड़ा वाला लगाऊंगा वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये फोर लेन वाला हाईवे है ना। अब सफिशियंट है, अब चल रहा है, इधर का भी कनेक्शन हो गया। अब हमारे सिटी के अंदर ना तीन एंट्रेंस हो चुके हैं, तीन नहीं वैसे चार एंट्रेंस हो चुके हैं, एक यहाँ से, दो यहाँ से, तीन यहाँ से, तीन ही समझ लो एंट्रेंस। अच्छा, बिजली में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, रुक जाओ, बिजली को मैं एक काम करता हूँ, बिजली का जो हमारा बजट है उसको मैं थोड़ा सा ना 80% या 90% कर देते, अब नहीं लगता मेरे को दिक्कत होगी। अब कितना माइनस में जा रहा हूँ मैं? अभी भी $42,000 हम माइनस में जा रहे हैं। तो सर्विसेज के अंदर जा करना, जो हेल्थ वाली जगह थी इसका बजट मैं और कम कर दूँ क्या यार, या फिर इतना ही रहने दूँ? सबसे ज़्यादा पैसा तो मेरा इसके अंदर जा रहा है, एजुकेशन के अंदर, बट हाँ एजुकेशन से ज़्यादा तो हेल्थ केयर के अंदर पैसा जा रहा है। हेल्थ केयर का बजट और कम कर दूँ क्या? 50 कर देता हूँ। अब अगर कुछ बजट में, मतलब $33,000 पर तो चलो आ गया ये, ठीक है। और इसके अलावा मैं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर तो मेरे को नहीं लगता मैं बचा सकता हूँ पैसे। वाटर का तो बहुत कम का चल रहा है, वाटर का इतना ज़्यादा सीन नहीं है। हेल्थ को कम कर दिया मैंने, गार्बेज मैनेजमेंट का तो अभी तक किया ही नहीं, और गार्बेज का तो बजट जीरो ही है। एजुकेशन के अंदर मैं थोड़ा सा ना और कम कर सकता हूँ यार, 50 कर देता हूँ इसको भी, शायद से अब और फ़र्क पड़े। यस, $20,000 पर आ गए, वेरी नाइस, ठीक है। रिक्वायरमेंट होगी वैसे वैसे बढ़ाते जाएंगे। पुलिस के अगर चेक कर दो, पुलिस का बजट कितना जा रहा है? कुछ क्राइम्स हो रहे भी है अपने पास में या फिर ऐसे ही? कैपेसिटी 25 की है और अरेस्टेड जीरो है, मतलब क्राइम हमारे पास में ना बहुत कम है। तो पुलिस का भी बजट मैं कम कर ही लेता हूँ, वहाँ से भी अपने पैसे ना अच्छे खासे बच जाएंगे। कहा गई पुलिस, ये रही पुलिस, इसको भी 50% पे कर देता हूँ। अब बजट चेक करेंगे, 9,000 पे आ गया, वेरी नाइस। फायर एंड रेस्क्यू का कितना बजट जा रहा है वो भी चेक कर लेता हूँ। फायर एंड रेस्क्यू के अंदर मतलब इतना ज़्यादा सीन नहीं है, इसका भी मैं कम कर सकता हूँ। अरे बढ़िया काम हो गया, चलो ये फायर एंड रेस्क्यू का भी बजट 50% कर देते हैं। अब देखेंगे, $3,000 मतलब $4,000 अब माइनस में जा रहे हैं। बाकी अब कट टू कट वाला मामला चल रहा है। यहाँ पर मैं टैक्स के अंदर थोड़ा सा ना रेसिडेंशियल वाला ना टैक्स 11%, ठीक है, कमर्शियल 11%, इंडस्ट्रियल 11% और ऑफिसेस 11%, ठीक है, बस इतना ही कर रहा हूँ फिलहाल मैं। इधर किस चीज़ की रिक्वायरमेंट हो रही है? नॉट इनफ कस्टमर्स ना, तुम्हारे कस्टमर्स का भी मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ, तुम टेंशन मत लो। बस फैक्ट्री की डिमांड है, ये लो फैक्ट्री। इधर साइड में एक और मैं फैक्ट्री लगा देता हूँ, हो गया ये वाला काम कंप्लीट। रॉ मटेरियल का मैं एक काम करता हूँ, रॉ मटेरियल वाला भी ना फैक्ट्री साइड में लगाऊँ या फिर किधर साइड में लगाऊँ? इधर तो दो दो ऑलरेडी आ गए। एक काम करते, चलो इधर एक और मार्केट बना लेता हूँ, ठीक है। एक और मार्केट आ गया, रेसिडेंशियल जोन मीडियम वाली की और रिक्वायरमेंट है, ये लो।
एक और बना देते हो, एक्स्ट्रा में चलने देते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा में चलने देते हैं, ये प्रोडक्शन अपना चल रहा है, एक बार इसका भी हिसाब किताब चेक कर लेते हैं। इनके कस्टमर बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, अब मेरे को वो देखना है। यहाँ पर एक बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, क्या वजह से कोलैप्स हुई है? दिस बिल्डिंग हैज कोलैप्स ड्यू टू लैक ऑफ मेंटेनेंस। कौन से मेंटेनेंस की वजह से तेरा प्रॉब्लम हुआ है? और मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रही, यहाँ पर ये प्रोडक्शन का तो हमने बना लिया बट इधर अभी तक इसने कुछ उगाया नहीं है, मतलब क्या मेरे को खुद ही कर देना पड़ेगा या फिर समझ नहीं आया। ग्रेन्स तो आ गए, द ग्रेन फार्मिंग स्पेशलाइजेशन इंडस्ट्री कैन बी सेट अप ऑन एरिया ऑफ फर्टाइल लैंड टू प्रोड्यूस ग्रेन। फर्टाइल लैंड तो था ये, मैंने कुछ थोड़ी ऐसी कहीं पर भी उसे प्रोड्यूस कर दिया, जहाँ फर्टाइल लैंड है उधर ही मैंने प्रोडक्शन किया। कहा था कि भाई देख रहे हो फर्टाइल लैंड इसकी ऐसी की तैसी। कस्टमर की ऑलमोस्ट सारी जगह पर दिक्कत हो रही है, मेरे को किसी चीज़ का बजट बढ़ाना पड़ेगा। रोड का अगर बजट मैं पूरा 50% कर दूंगा इससे भी फर्क पड़ेगा। हेल्थ के अंदर जाते हैं, हेल्थ का बजट ना मैं 56% कर देता हूँ, ठीक है। एजुकेशन का बजट 54% या फिर इसका भी 56 कर देते। फायर का बजट भी हम 56 कर देते, ठीक है। पुलिस का बजट भी 56 कर देते, थोड़ा 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 करके बढ़ा रहा हूँ मैं एकदम। और जहाँ टैक्सेशन की बात है, ये मैंने 11% तो कर दिया हूँ, टैक्स मिल रहा है अपने को। ऑफिस की रिक्वायरमेंट नहीं आ रही यार अपने को ज़्यादा। हाँ ये रहा ना प्रोडक्शन, तो ये ग्रेन्स की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर सारी चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही है, प्रोसेस हो रहा है, मतलब अभी एग्रीकल्चर क्या क्या चीज़ें है। और यहाँ पर ये 40.5 trillion समझ लो इसे, और ये मुर्गी वाला जो है ये 22.1 trillion, पता नहीं। अब वो जो बराबर से बन जाएगा, ट्रेड होगा, उसके बाद में फिर समझ में आएगा। कस्टमर के लिए क्या कर सकते हैं हम? एक तो मैं ना रास्ता यहाँ से भी कनेक्ट कर लेता हूँ, जो ये रास्ता यहाँ से सीधा इधर कनेक्ट कर देता हूँ, ये हो जाएगा इधर का भी, मतलब यहाँ से भी आने जाने के लिए ना छोटा मोटा रास्ता हो जाएगा। इसको सर्कल कहाँ लगाए बे? यस, अब बढ़िया है, पहले बराबर से वो नहीं हो रहा था, अब बढ़िया है, चलो ठीक है, ये हो गया इधर का प्रॉब्लम सॉल्व। रही बात कस्टमर की, वो अपने को देखनी है। मार्केट की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, मार्केट की रिक्वायरमेंट को हम थोड़ा सा और वो कर देते। क्या करूँ, इधर साइड में मार्केट बना लूँ क्या, एक और फैक्ट्री वाली जगह पर, है ना, इधर साइड में एक और मार्केट बना लेते हैं। रही बात ट्रांसपोर्टेशन की, ये मैंने अभी तक बनाया नहीं हूँ बट बनाना है, अपने को ट्रांसपोर्टेशन भी करना है, ठीक है। एक ये वर्टिगो स्क्वायर, थोड़ी सी ना मॉडर्न टाइप की बिल्डिंग समझ लो इसे, इधर भी लोग आएंगे रहने के लिए। ये बिल्डिंग को कहा लगू मैं, ये बिल्डिंग को ना मेन एंट्रेंस पे लगाते है इधर साइड में, ठीक है, थोड़ा उसको इधर से कनेक्ट करेंगे। यस, यहाँ पर भी लोग आते रहने के लिए। ये थोड़ी सी मतलब डिजाइन टाइप और लुक टाइप वाली बिल्डिंग है, इसके पैसे थोड़े से अपने को ज्यादा मिलेंगे, ज्यादा ऐसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा दिल कर रहा है मैं टैक्सेस और बढ़ाऊ या टैक्स कम करूंगा, तो क्या इनको फर्क पड़ेगा? वापस से ना 10% कर लेता हूँ, ठीक है, टैक्स वापस से 10% कर लेते हैं हर एक चीज में। अब चेक करते हैं नॉट इनफ कस्टमर्स वाला, कुछ टैक्स बढ़ाऊंगा तो यार मतलब कस्टमर जाएंगे नहीं कोई चीज खरीदी करने के लिए। मैं ना इधर साइड में एक और फार्म बना देता हूँ, ठीक है, इसको मैं रख देता हूँ इधर से, ठीक है, ये आ गया। इसको भी हम थोड़ा सा ना एकदम बड़ा कर लेंगे, इसको रास्ता में ले लेता हूँ छोटा मोटा, ये जो सिंगल वाला है ना ये ले लूँ या फिर नॉर्मल अपना रास्ता रहने दूँ, नैरो टू साइड वाला रास्ता रख देंगे, है ना। यहाँ से भाई तू डायरेक्ट इधर ही कनेक्ट हो जा, ठीक है, तेरे को भी कनेक्शन वगैरह वो हर एक चीज मिल गई, तेरा भी एरिया में कर देता हूँ काफी ज्यादा बड़ा। जितना दिल भर के प्रोड्यूस कर सकते हो तुम प्रोड्यूस करो, ठीक है, कोई चीज़ का टेंशन मत लो, फुल प्रोडक्शन करो, फुल प्रोडक्शन। तुम्हें सारी चीज़ की मैं फैसिलिटी प्रोवाइड करूँगा, बस तुम टेंशन मत लो, मेरा को पैसा बना के दो, बाकी टेंशन मत लो तुम लोग। चलो भाई मैंने इतना ज्यादा ये बड़ा बना दिया, और बिजली की दिक्कत हो रही है, आप भी टिक करके दे दो, टेंशन मत लो, मेरे को सिर्फ बिजली का बजट बढ़ाना होता है, बाकी सारे काम ऑटोमेटिक हो जाते हैं, ठीक है, हो गए ना, चलो ठीक है, चुपचाप से काम करो। यहाँ पर कितने सारी चीजें, मतलब कितने सारे फार्म आ गए, एक रास्ता यहाँ तक आया, बाकी मैं इसको जितना घेर सकता था ना मैंने इधर से भी कनेक्ट कर दिया। इसको भी एक काम करता हूँ, इसको भी ना थोड़ा सा मैं और बड़ा कर देता हूँ, इतना कर देता हूँ, ठीक है, होगा नहीं होगा पता नहीं। अरे मैं प्लस में जाना स्टार्ट हो गया भाई, मैं प्लस में जाना स्टार्ट हो गया हूँ, देखो नीचे साइड में सारी चीजें प्लस में जा रही है, वेरी नाइस यार, वेरी नाइस, मेहनत रंग लाई हमारी, फाइनली हमारी मेहनत रंग लाई, इतनी देर से जो घिसे जा रहे, घिसे जा रहे, घिसे जा रहे, होगा भाई, होगा होगा,
तरक्की हो गई अपने शहर की। वेरी नाइस। अरे ये करने तक किस चीज की दिक्कत आ गई अभी? पानी की दिक्कत हो रही है, पानी का भी बजट बढ़ाना पड़ेगा। डायरेक्ट मैं मशीनें नहीं लगाने वाला, मैं सिर्फ पानी का ना हल्का हल्का बजट बढ़ाऊंगा, ठीक है? 66 सफिशिएंट है। अभी क्या बजट जा रहा है? $27,000 प्लस में जा रहे हैं। हमारा जो रेवेन्यू वो 4,23,000 का 15 है फाइनली, और जो हमारे एक्सपेंसेस है वो $3,95,000, मतलब $29,000 हम प्लस में चल रहे हैं। वेरी 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 नाइस। अब हो रही है अपने को इंडस्ट्रियल जोन की डिमांड, तो इंडस्ट्रियल जोन को ना थोड़ा सा खूबसूरत तरीके से बनाते हैं। अब थोड़ा सा ग्रिड वाला छोड़ते हैं, मतलब ग्रिड वाला जहाँ नीड होगा वहाँ लगाएंगे। बाकी फिलहाल में ना मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से ना एक रास्ता लेता हूँ, ठीक है, कुछ इस वाली जगह से, और इसको ना इधर, यार ये थोड़ा सा पतला रास्ता होगा, बहुत बहुत ज्यादा पतला रास्ता था, थोड़ा इंडस्ट्री के हिसाब से ना चौड़ा रास्ता लेंगे, इसको यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ। नहीं यार ये बहुत ज्यादा बड़ा रास्ता है, बहुत ज्यादा, ये सूट नहीं करेगा उसके ऊपर। तो एक काम करते हैं, फिर जो अपने नॉर्मल रास्ते हैं ना ये वाले, इसको हम ना थोड़ा खूबसूरत तरीके से बनाना स्टार्ट कर दे, ठीक है? यार बिजली की वापस से रिक्वायरमेंट आई है, एक सेकंड आप भी टिक करके देता हूँ, इसको कर लो भाई 98%। क्या तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ? यस, कट टू कट चल रहा है मामला, रहने दो इसे। बस मेरे को ना ये कस्टमर की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करूं ये मेरे को बताना, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा अभी फिलहाल में। चलो ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया बना लेते हैं अब हम, ठीक है? इसको भी मैं डायरेक्ट इधर से कनेक्ट कर दूंगा। इतना रहने देंगे या फिर, हाँ सफिशिएंट है इतना, इससे ज़्यादा की अपने को और रिक्वायरमेंट हो गई नहीं। अब यहाँ से ना एक रास्ता यहाँ कनेक्ट करता हूँ, और अंदर घुसने के लिए ना और दो रास्ते बना देते हैं, मतलब यहाँ से ना सीधा ऐसे कान दे देंगे अंदर घुसने के लिए, ये एक हो गया, और यहाँ से एक एग्जिट का भी रास्ता दे देता हूँ, ये एग्जिट का भी रास्ता हो गया, यहाँ से आओ भी और जाओ भी टेंशन मतलब, ठीक है? यार बिजली की तो दिक्कत बढ़ती जा रही है, यहाँ से तो मैंने कनेक्शन दे दिया, रुक जाओ मेरे को इंडस्ट्रियल एरिया ना फटाफट से यहाँ सेटअप करने दो, ठीक है? हवा तो इधर बैक साइड की तो इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं है। इधर एक मार्केट लगेगा अपने को, ये मार्केट मैं बना देता हूँ मिड में, ठीक है? और रेसिडेंशियल जोन की ही डिमांड है, बस बिजली का कुछ और अपने को रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि बिजली से भाई मतलब इसके अंदर काम नहीं होने वाला। अभी क्या बजट जा रहा है? 60,000 प्रॉफिट में आ गए हम, 60,000। हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा कट टू कट चल रही है, इसके अंदर काम नहीं होने वाला, और बिजली का अपने को और बंदोबस्त करना पड़ेगा। ट्रेड में अभी कुछ आया है? अभी तक मैंने ट्रेड में चेक ही नहीं किया, ट्रेड में अभी तक जीरो बता रहा है। यार ये कैसे होगा ये एक्सपोर्ट के अंदर, मतलब हो सकता है मैंने कुछ गलत तरीके से किया होगा। सिर्फ बिजली की दिक्कत है, तो बिजली का मैं प्रॉब्लम तुम्हारा सॉल्व कर दूंगा, तुम उसका टेंशन मत लो। इसको मैं 120% नहीं 110% ही रहने देता, ठीक है? 110 में नहीं होगा, 120 ही लगेगा अपने को। चलो ठीक है, रो मत, क्या रोते रहते हुए शहर वाले हैं, क्या रोते रहते हो तुम, ठीक है? अब खुश? अभी भी नहीं खुश, मतलब अब बारी है बिजली का नया कनेक्शन और बनाने की, ठीक है? ये है स्मॉल कोल पावर प्लांट, इससे भी बिजली प्रोड्यूस होगी। और जो हमने ये वाली मशीन लगाई है, मैं शहर को ना पॉज कर देता हूँ वरना दिक्कत हो जाएगी भाई। विंड मिल लगाऊंगा तो विंड मिल से भी उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ये हवा वाला एरिया है भी नहीं, तो विंड में लगा के कुछ ऐसा खास हम वो नहीं कर लेंगे। कोल पावर प्लांट है जिससे अपना काम होगा, कोल पावर प्लांट लगेगा इधर साइड में क्या? हाँ इसको तो इधर रख के भी कनेक्शन दे सकते हैं कोल पावर प्लांट को, बट अपने पास कोल कितना है? एक टाइम के बाद में कोल भी हमारे पास में ख़त्म हो जाएगा ना, तो फिर बिजली की बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। $1,00,000 का तो आ रहा ही है। चलो ठीक है, इसको मैं लगा देता हूँ कोल पावर प्लांट को यहाँ पर, ठीक है? बहुत सही जगह पर ना हमने कोल पावर प्लांट को प्लेस कर दिया है, अब हमारा शायद से बिजली का टेंशन हो जाएगा खत्म। सही जगह पर मतलब इसलिए कि इधर पहाड़ भी है, झाड़ भी है, और कोल पावर प्लांट इधर भी है, तो बस इसीलिए। अब ड्रेनेज की दिक्कत हो रही है क्या? नहीं, इनफ कस्टमर और हायर एंड का कुछ करना पड़ेगा यार, इसका कुछ रिक्वायरमेंट ख़त्म नहीं हो रहा। बाकी तो शहर अपना बहुत ज़्यादा बढ़िया चल रहा है, अभी कितने प्रॉफिट में जाए, $33,000 प्रॉफिट में ही चल रहे है। अब अगर मैं बिजली को अपनी 100% कर दूंगा, जैसे अभी पहले इलेक्ट्रिसिटी जा रही थी 120-100 कर दूंगा, तो क्या कुछ होगा? क्योंकि यहाँ से भी तो कोल प्रोड्यूस हो रहा है ना। कनेक्शन का दिक्कत है, मतलब कनेक्शन का नहीं दिक्कत है, वाटर बजट का दिक्कत है। तो ये वाटर बजट है, वाटर बजट को हम 70-80% कर देते हैं ना। अभी कितना प्रॉफिट में, 8,000 प्रॉफिट में चल रहे हैं हम, बट स्टिल प्रॉफिट में तो है। इधर से भी ट्रेड करके मैं इलेक्ट्रिसिटी बाहर एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, क्या करूँ? कनेक्शन बीच में से लूँ या बाहर से ही लूँ? बाहर से लूँगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी टोटल हमारे शहर की जो पॉपुलेशन है वो है 5,479। अरे सेकेंड्स के हिसाब से बढ़ रही है पॉपुलेशन,
देख रहे हो कितनी ज़्यादा तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ रही है अपने पास में, आने दो जब ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहेगी उसके बाद में मैं घर बनाना, मतलब ये जब पूरा ग्राफ फुल फुल हो जाएगा ना उसके बाद में मैं घर बनाना स्टार्ट करूँगा, अभी तो नहीं बना रहा मैं घर। या फिर चलो इतना जब बोल ही रहे ना ये लोग तो एक काम करते हैं, यहाँ पर ना थोड़ा सा मीडियम डेंसिटी वाला ना इनको बना के दे देते, इधर दे दूँ क्या? हाँ चलो ठीक है रख लो, जाओ ऐश करो थोड़ा बहुत, लोग ज़्यादा आएंगे तो कस्टमर की जो ये लोग को दिक्कत आ रही है ना कम से कम वो तो खत्म हो जाएगी, धीरे धीरे इनका भी ग्राफ नीचे आ जाएगा। आ रही है एम्बुलेंस, टेंशन मत ले। थोड़ा सा ना शहर के बारे में और प्लान करते हैं और हम आज के एपिसोड को बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए, नए आए हो चैनल पे एंजॉय किया तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पर मैं ऐसी बड़ी बड़ी गेम प्लेज लाता रहता हूँ, अभी और भी नए नए गेम प्लेज चैनल पर आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना अपडेट्स के लिए भाई। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ों का लिंक मिल जाएगा, तो यस चेक जरूर करना। मिलता हूँ आप सभी से अगले एपिसोड में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू।